बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम PMS बॉय 6 ऑफ क्लास 4। टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड दिस इज़ वीडियो नंबर 3। आई एम रिपीटिंग दिस, दिस इज़ वीडियो नंबर 3 एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब है तकसीम करना प्लांट्स को, पौधों को। पौधों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है और उनको किस बेस पर, किस बुनियाद पर उनको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब तकसीम करना। और प्लांट्स, पौधों को, पौधों को आम तौर पर दो बड़े हिस्सों में, वो दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नंबर 2 इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आपको पॉइंट नंबर 1 में जो फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने बताया है, इसमें आपको इस वर्ड से ही समझ आ जाएगा कि इसमें फ्लावर लगते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर और फ्रूट्स लगते हैं, ऐसे फ्लावर, ऐसे प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट और फ्लावर नहीं लगते। तो आपको समझ आ गई होगी कि प्लांट्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ग्रुप इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स, नंबर 2 इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जिन पर या तो फ्लावर आते हों, उगते हों, या उन पर फ्रूट्स आते हों, ऐसे प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सनफ्लावर है, रोज़ है एंड लेमन है। अब देखें, सनफ्लावर में उस पर फ्लावर लगता है ना, सनफ्लावर एक फ्लावर है ना, और रोज़ है, ये भी एक फूल है, एक फ्लावर है। तो आपको आगे देखें लेमन है। अब लेमन जो है वो एक फ्रूट है, तो या तो उस प्लांट पे फ्रूट भी लग सकता है और या उस पे फ्लावर भी लग सकता है, या उसमें फ्रूट और फ्लावर दोनों लग सकते हैं। तो आपको एग्जांपल में मैंने यहाँ बता दिया कि ऐसे प्लांट्स जिन पर या तो फ्लावर उगते हों या फिर उन पर फ्रूट्स आते हों, ऐसे प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और इनकी एग्ज़ाम्पल होती है सनफ्लावर, रोज़ एंड लेमन। अब सनफ्लावर और रोज़ तो फ्लावर ही है ना, लेकिन लेमन तो फ्लावर नहीं है, ये तो हमारे उसमें हम लोग यूज़ करते हैं उसको जूस बनाने के लिए। तो इसके साथ या तो फ्लावरिंग प्लांट्स में या तो फ्रूट लगता है या फिर उसमें फ्लावर, दोनों भी लग सकते हैं। आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है कि इसका पॉइंट कि उनमें जो सीड्स होते हैं, उन फ्लावर्स या फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ही होते हैं। जैसे आपने ग्रेप्स देखा है, एप्पल देखा है, इनके फ्रूट्स जो हैं इनके अंदर ही इनके सीड्स होते हैं। अब वाटरमेलन है, पोमग्रेनेट, ये सब चीज़ें हैं ना, अनार, खरबूजा, आम, अंगूर, ये सब हमारे पास फ्रूट्स हैं और इनके जो सीड्स होते हैं ये इस फ्रूट के अंदर ही होते हैं। और इनके फ्लावर भी ऐसे होते हैं जिनमें इनके सीड्स जो हैं वो फ्लावर के अंदर ही होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं और उनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। जिनके सीड्स, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स या फ्लावर के अंदर ही होते हों, उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अंडरस्टैंड बॉयज़, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम, मैं रिपीट कर देती हूँ कि ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर या तो फ्लावर उगते हों या फ्रूट्स उगते हों, ऐसे प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और उनके एग्जांपल आपको मैंने बता दी, सनफ्लावर, रोज़ एंड लेमन। और इसका पॉइंट नंबर 2, हमें कैसे पता चलेगा कि वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स या फ्लावर के अंदर ही होते हों, ऐसे प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई है, जैसे हैं आम, अंगूर, सेब, तरबूज,
ये सब आपके पास फ्रूट्स हैं ना, और इनके अंदर ही इनके सीड्स होते हैं। इसी तरह कुछ फ्लावर जैसे रोज़ हैं और बहुत से सनफ्लावर हैं, इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर ही होते हैं। ये सब फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। और ऐसे प्लांट्स अगर आपसे कोई पूछे कि एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स या फ्लावर के अंदर ही हो, ऐसे प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत से कलर्स में भी हो सकते हैं और बहुत से साइज़ में भी होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स अलग अलग होते हैं ना, कुछ फ्लावर बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ फ्रूट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। इसलिए हमने फ्लावरिंग प्लांट्स को समझने के लिए साइंटिस्ट ने फ्लावरिंग प्लांट्स को मज़ीद, फर्दर का मतलब होता है मज़ीद, उनको आगे जो है टू ग्रुप्स में, बड़े दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। अब वो दो बड़े ग्रुप्स कौन कौन से हैं? नंबर वन इज़ मोनोकॉटिलीडन एंड नंबर टू इज़ डाइकॉटिलीडन। अब आपने फ्लावरिंग प्लांट्स के दो जो आगे मेजर बड़े ग्रुप हैं, एक है मोनोकॉटिलीडन्स और दूसरा है डाइकॉटिलीडन्स। अब मोनोकॉटिलीडन्स किसको कहते हैं? ये सिंपल है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें, ऐसे फ्रूट्स या फ्लावर्स जिनमें एक सीड होता है, उनको हम मोनोकॉटिलीडन कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनमें एक या एक से ज़्यादा सीड्स पाए जाते हैं, या तो उनके फ्रूट्स में या उनके फ्लावर्स में, उनको हम डाइकॉटिलीडन कहते हैं। आपको समझ आ गई होगी, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट्स को दो मेजर बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज़ मोनोकॉटिलीडन एंड नंबर टू इज़ डाइकॉटिलीडन। मोनोकॉटिलीडन का मतलब है ऐसे फ्रूट्स या फ्लावर्स जिनके अंदर सिर्फ एक सीड होता हो, उनको हम मोनोकॉटिलीडन कहते हैं। और ऐसे फ्रूट्स या फ्लावर्स जिनमें ये दो या दो से ज़्यादा सीड्स मौजूद होते हों, ज़्यादा सीड्स वाले फ्रूट्स या फ्लावर को हम डाइकॉटिलीडन कहते हैं। अब मोनोकॉटिलीडन की एग्जांपल में क्या आ सकती है? सबसे पहली और बेस्ट एग्जांपल तो है हमारे पास मैंगो, आम। उसके सेंटर में एक बड़ा सा सीड होता है ना, जब हम उसे काटते हैं, तो ये मोनोकॉटिलीडन की एग्जांपल हो गई। आप और भी एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा है डाइकॉटिलीडन। अब डाइकॉटिलीडन में तो बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, जैसे तरबूज है, अंगूर है, सेब है, ये सब हमारे पास डाइकॉटिलीडन के एग्जांपल हैं। अब आपको फ्लावरिंग प्लांट अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसी का जो ग्रुप है वो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, आपको ये भी नाम से जाहिर हो गया है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर ना तो फ्रूट्स उगते हैं और ना ही फ्लावर उगते हैं, उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल क्या हैं? मॉस, फर्न और पाइन। अब फर्न आपने देखा होगा, कभी आपने गन्ना देखा है, शुगर केन, उसके साथ जो बड़े बड़े लंबे लंबे पत्ते होते हैं, फर्न्स भी एक ऐसा ही प्लांट होता है। और पाइन का प्लांट जो होता है वो हमारे पास चलगोज़े होता है, चलगोज़ा पाइन जो होता है ना, वो चलगोज़े को हम कहते हैं। तो पाइन का फ्रूट जो है वो है चलगोज़े का एक प्लांट होता है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में तो जो सीड था वो तो या तो फ्रूट और फ्लावर के अंदर होता है, लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सीड होता है वो फ्रूट्स या फ्लावर के अंदर नहीं होता, इसीलिए हम इन्हें जेमिनोस्पर्म्स कहते हैं। हम फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें सीड फ्रूट्स के या फ्लावर के अंदर होता है उसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जहाँ पर सीड फ्रूट या फ्लावर के अंदर नहीं होता, हम उसे जेमिनोस्पर्म कहते हैं। अब जेमिनोस्पर्म की जो एक बहुत जो फेमस एग्जांपल है वो हमारे पास होती है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में, जैसे हम मरी, स्वात, कागान जाते हैं ना, वहाँ पर कॉनिफर्स के पौधे ज़्यादा हमें नज़र आते हैं।
और ये हमारी जो है इससे बहुत ज़्यादा फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत सी कंस्ट्रक्शन के जैसे लकड़ी के घर बने हुए होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी कॉनिफ़र जो प्लांट्स होता है जो ज़्यादातर हमारे नॉर्दर्न एरिया में पाया जाता है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और ये फर्नीचर बनाने के लिए और दूसरी कंस्ट्रक्शन जो जैसे लकड़ी के घर बने हुए होते हैं ये सब उनमें यूज़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये हमारा पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कागज़ हम जो पेपर यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, हम कितने पेपर्स यूज़ करते हैं वो सब कॉनिफर्स का जो प्लांट होता है ना उनसे हम पेपर्स बनाते हैं। तो इनके जो हैं इनके ड्राई फ्रूट भी होते हैं, जैसे हम मैंने आपको कहा कि पाइन में उसका एक जो है इसका कॉनिफ़र का एक एग्ज़ाम्पल जो है वो पाइन भी हो सकती है। पाइन मैंने आपको बताया कि चलगोज़ा है। तो आई थिंक कि आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि प्लांट्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ग्रुप नंबर 1 है फ्लावरिंग प्लांट्स, ग्रुप नंबर 2 है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसे प्लांट जिन पर फ्रूट और फ्लावर उगते हों उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं और इनमें सीड जो हैं वो फ्रूट या फ्लावर के अंदर होते हैं। और फिर इन फ्लावरिंग प्लांट्स को समझने के लिए फर्दर मज़ीद आगे हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक को कहते हैं मोनोकॉटिलीडन्स, दूसरे को कहते हैं डाइकॉटिलीडन्स। मोनोकॉटिलीडन का मतलब है कि ऐसे फ्रूट्स और फ्लावर्स जिनमें एक सीड होगा उनको हम मोनोकॉटिलीडन्स कहते हैं, और ऐसे फ्रूट्स और फ्लावर्स जिनमें एक से ज़्यादा सीड्स मौजूद होंगे उन्हें हम डाइकॉटिलीडन कहते हैं। इसी तरह नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट इसके नाम से ही जाहिर है कि इस पर ना तो फ्रूट्स लगते हैं और ना ही इस पर फ्लावर उगते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड जो होता है वो उस फ्लावर या फ्रूट के अंदर नहीं होता और इसे हम जेमिनोस्पर्म्स कहते हैं। इनके एग्जांपल आपको मैंने बता दी हैं मोस, फर्न और पाइन। पाइन मीन चलगोज़ा और फर्न मैंने आपको कहा है कि शुगर केन, गन्ने के जो बड़े बड़े खेत होते हैं उस गन्ने के साथ जो बड़े बड़े ऐसे पत्ते से लटके हुए होते हैं ना, फर्न के पत्ते भी ऐसे ही होते हैं और इनके जो सीड्स हैं वो उस फ्रूट या फ्लावर के अंदर नहीं होते। आई होप कि आपको ये अच्छे से सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।